नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करो और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज इस हाथ के विषय में आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम मैं फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालिसिस करते आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो सर्वप्रथम आते हैं यहाँ पर फिंगर की लेंथ के विषय में, देन उसके बाद गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस, मनी, इन सबसे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को दूंगा। तो सर्वप्रथम आते हैं यहाँ पर फिंगर की लेंथ के विषय में। तो पूरे पाम के कंपेरिजन में देख पाएंगे आपकी फिंगर की लेंथ यहाँ पर नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है। यहाँ पर ये थोड़े से कम एडजस्टमेंट को इंडिकेट करता है। यहाँ पर ऐसे फिंगर वाले लोग कहीं ना कहीं बहुत जल्दी हर परिस्थिति हर माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर फिंगर के बीच में गैप अगर बनने लग जाए तो फिर इन चीज़ों में कमी आ जाती है, फिर अपने आप को हर सिचुएशन में एडजस्ट नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेचर आप जैसे लोगों में देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा ही खर्चीलापन भी आप में इस कारण से रहेगा और अपने मन की आप कहीं ना कहीं ज़्यादा सुनेंगे, ज़्यादा करेंगे। और लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है तो कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको दे सकता है, जैसे अपनी बात को प्रॉपरली नहीं रख पाना, शर्मिलापन महसूस करना अपोजिट जेंडर के प्रति। अदरवाइज कोई इशू यहाँ पर बिग नहीं रहता है और फर्स्ट फिंगर की लेंथ आपके हाथ में ज़्यादा है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ही नॉलेजेबल पर्सन आप रहेंगे। आपको हर फील्ड हर चीज़ का बहुत अच्छा नॉलेज रहेगा और लाइफ में आपका आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग जो है आपका नेचर यहाँ पर शो हो रहा है। और बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़, टीचिंग क्वालिटीज़ आपके अंदर रहेगी, जिसके कारण अच्छा किसी को समझा सकते हैं, किसी से काम निकलवा सकते हैं, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं, जिसके कारण और यही सब चीज़ों के कारण आपके अंदर आत्मसम्मान भी बहुत अच्छा रहेगा। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा होना बेहद शुभ होता है, क्योंकि ये फ्रेंडली नेचर और मिलनसार स्वभाव को बताता है, जिसके कारण आप बड़ी आसानी से हर व्यक्ति विशेष में अपने आप को ढाल लेने वाले रहेंगे। और जहाँ तक चर्चा करें आपके अंगूठे के क्षेत्र की, तो ये यहाँ पर शॉर्ट है, जिसके कारण बहुत फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है आपकी और उन डिसीजन के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस भी आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। बुद्धा आइज क्रिएट होना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये गुड सिक्स सेंस को इंडिकेट करता है, गुड इंटेलिजेंसी को बताता है। तो ग्रेसिपिंग स्किल आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी, चीज़ों को समझने की क्षमता बहुत अच्छी यहाँ पर रहेगी, धार्मिक आप यहाँ रहेंगे और धनवान भी यहाँ पर आप शो हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही आपके अंदर विल पावर रहेगी, विल पावर यानी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा रहेगी और आपके हाथ में शुक्र बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेवलप है। तो यहाँ पर जो बेसिक नीड आपके रहेगी, अच्छा खान पान, रहन सहन और सेक्स, ये जो है सबसे मेन लाइफ में नीड आपकी यहाँ पर शो हो रही, क्योंकि ओवर डेवलप शुक्र कहीं ना कहीं अपोजिट जेंडर के प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन को, कामुकता को, काम वासना को बताता है। ये कोई ख़राब चीज़ नहीं होती है, नॉर्मल सी चीज़ है ये कोई, लेकिन एक जो है यहाँ पर ख़तरा यह रहता है कि किसी ना किसी चीज़ के एडिक्शन होने का थोड़ा सा डर रहता है। तो अगर आप किसी चीज़ के एडिक्टेड हैं तो ज़रूर बताइएगा, ताकि उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको सुझाव दे सकूँ। और इसके अलावा आते हैं अब यहाँ पर आपके पर्वत एवं रेखाओं के ऊपर। तो एक एक पर्वत कर सभी पर्वत एवं रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं, तो गुरु अपने आप में यहाँ पर अच्छा एरिया ले पा रहा है और फिंगर भी यहाँ पर अच्छी है, तो लाइफ में आप नॉलेज अच्छा गेन करेंगे, बहुत ज़्यादा ही आप एम्बिशियस नेचर के यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आड़ी आड़ी ये रेखा बन रही है, ये हाफ ही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही सिंपैथेटिक नेचर को प्लस धार्मिकता को बताता है। तो धर्म कर्म के प्रति आपकी रुचि बहुत रहेगी, बहुत अच्छे से आप अपने जीवन में इन सब चीज़ों में पार्ट भी ले पाएंगे, लेकिन आपके अंदर दिखावटी वाला धार्मिकपन नहीं है। इंटरनली आपके अंदर बहुत ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है और गुरु व्यक्ति का जब अच्छा होता है तो मैरिड लाइफ भी अच्छी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपका गुरु और शुक्र बहुत ज़्यादा डेवलप है और उसके साथ साथ चंद्र मंगल भी डेवलप है, तो इस कारण से व्यक्ति कोई भी काम करता है तो उसमें हमेशा हाई थिंकिंग और हाई अप्रोच ही रखता है। तो आपके अंदर आपको जो जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा, उसका एक बेसिक रीज़न यही होगा कि वो जॉब कहीं ना कहीं हाई पोस्ट हाई अथॉरिटी की नहीं होगी। आप जो भी काम करेंगे ये जान लीजिएगा कि आपको जो भी चीज़ चाहिए वो हाई लेवल की चाहिए, हाई अथॉरिटी और एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। छोटा मोटा काम से आपका कोई काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आपका कॉन्शियस जोन जो है डेवलप है, इस कारण से ये सारी चीज़ें आपके अंदर रहेगी। शनि के क्षेत्र पर आते हैं, तो शनि पर्वत यहाँ पर आपका नॉर्मल है,
और शनि रेखा के विषय में जहाँ तक चर्चा करें तो शनि रेखा आपकी मणिबंध के क्षेत्र से ही प्रारंभ हो रही है और माइंड लाइन पर यहाँ पर आकर के रुकी है। तो कहीं ना कहीं अपने डिसीजन के कारण, जो आप गलत डिसीजन ले लेंगे उसके कारण यहाँ पर फेट आपकी कहीं ना कहीं कम हो रही है। और ये जो एज यहाँ पर शो होता है वो 38+ एज के बाद से जो है कुछ ना कुछ इश्यूज जो है करियर वाइज रहेगा, क्योंकि सपोर्टिव लाइन चल रही है लेकिन ये भी टूट करके चल रही है। तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ में आप चेंजेस जो है बहुत जल्दी एक्सेप्ट या कर लेने वाले रहेंगे। तो मेरी तरफ से यही आपको गाइडेंस है कि थोड़ा सा यहाँ पर फेट में जो है रुकावट आ रही है, जिसके कारण आप कम से कम अपना जॉब तो फिलहाल नहीं छोड़ें। जॉब ही एक माध्यम है जो कि आपको अर्निंग प्रोवाइड करते रहेगा, क्योंकि बिजनेस में आपके चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि यहाँ से आपकी फेट लाइन निकली हुई है और सब मरकरी के झुकाव लिए हुए हैं, तो ये बिजनेस में सब व्यक्ति खूब प्रोग्रेस करता है, नो डाउट। लेकिन जॉब छोड़ना कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्की आपके लिए हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर चर्चा करें तो प्रॉपरली आप सेटिस्फाई भी नहीं हो पाते लाइफ से, कहीं ना कहीं आपके अंदर अनसेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, क्योंकि आपका जो सैटर्न माउंट है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहाँ पर विकसित ज़रूर है लेकिन रेखाएँ प्रोमिनेंट नहीं हैं, तो उस कारण से चिंता थोड़ा ज़्यादा रहता है। और सूर्य पर्वत पर आते तो सूर्य पर्वत अच्छा डेवलप है, जिसके कारण आत्मविश्वास अच्छा रहता है। और यहाँ पर सूर्य रेखा वी सिंबल बनाकर के चल रही, तो करियर में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन व्यक्ति को रहता ही रहता है, इस कारण से कि क्या करियर चूज करना चाहिए, किस फील्ड में कंटिन्यू रहना चाहिए। ये अच्छी बात है कि ये रेखा आकर के मर्ज हो गई है और यहाँ पर आपके बुध पर्वत की ओर झुक गई, जिसके कारण प्रॉपर्टी की ओर आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा। लेकिन यहाँ पर भी आपके के का सिंबल जो है बनता है, जिसके कारण व्यक्ति अपने प्रोफेशन में सेटिस्फाई नहीं रह पाता है, क्योंकि जिस जिसके हाथ में इस प्रकार के योग देखने को मिले हैं ये इंडिपेंडेंट वर्क करना चाहते हैं, और देखने को मिला है कि ऐसे लोगों के अंडर में दूसरे लोग बहुत ज़्यादा काम करने वाले होते हैं, तो ये योग आपके अंदर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मरकरी माउंट यहाँ पर नॉर्मल है, तो मन के अंदर कोई भी बात नहीं दबाएंगे आप, जो भी है लोगों के सामने अच्छे से व्यक्त करेंगे। और गोपुच्छ की आकृति फ्लर्टी रोमांटिक प्लस गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को यहाँ पर इंडिकेट करता है। आपके हाथ में हृदय रेखा इस प्रकार से निकलते हुए सीधे जो है गुरु से कनेक्टेड हो गई है, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल नेचर रहेगा, प्लस बहुत ज़्यादा धार्मिक रहेंगे आप, बहुत लॉयल रहने के साथ साथ बहुत जल्दी किसी पर ट्रस्ट कर लेना, अपने तरफ से 100% रिलेशन में देने लगना, इस प्रकार का नेचर है। आप प्रैक्टिकल कम और दिल से ज़्यादा सोचने वाले यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपका जो लाइफ का बेसिक एम है वो है सुख सुविधा और आराम, ये सबसे मेन एम आपका रहेगा। और इसके अलावा बाकी कुछ ऐसे इश्यूज नहीं है, थोड़ी रेखा जरूर नीचे की ओर आ रही है जो थोड़ा इमोशनल सेटबैक को इंडिकेट करता है, बाकी अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे मेन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज नहीं है। माइंड लाइन पर आते हैं तो माइंड लाइन का फ्लो आपका इस प्रकार से निकलते हुए यहाँ पर बुध पर्वत के नीचे आया है और यहाँ पर ट्राइडेंट में विभाजित हो गया, जिसके कारण सोचने समझने और डिसीजन लेने की क्षमता में ये बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर देता है। तो कहीं ना कहीं चतुर चालाक किस्म के साथ साथ अपने फायदा किसी न किसी तरीके से निकाल लेना, इस प्रकार का नेचर होता है, तो ये बिजनेस माइंडेड पर्सन होने की ही निशानी होती है, जिसके कारण व्यापार में प्रोग्रेस मिलता है। आपके लाइफ लाइन के ऊपर आते हैं तो लाइफ लाइन का फ्लो इस प्रकार से निकलते हुए मिडिल तक आते हुए फिर अंदर की ओर झुक गया है, तो इसके कारण पहले आप अपने लाइफ पर ज़्यादा फोकस देंगे, देन वापस आप अपने घर बार की तरफ कहीं ना कहीं झुक जाएंगे, क्योंकि फैमिली कनेक्शन अटैचमेंट आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उम्र आपकी अच्छी है और लाइफ लाइन से भी आपके प्रोग्रेस लाइन निकल के जा रहा है, तो सेल्फ मेड लक लाइन है, यानी आप अपने मेहनत और खुद के कर्म से भी बहुत आगे बढ़ेंगे। बाहर की ओर जाने वाली ये रेखा विदेश यात्रा एवं विदेशी भूमि से लाभ के योगों को बढ़ा देती है, और जो थोड़े थोड़े मंगल के क्षेत्र से ये रेखाएं आ रही हैं ये फ्यूचर से रिलेटेड टेंशन तकलीफों को बताता है। लेकिन अगेन कोई मेन इशू ट्रबल नहीं है, क्योंकि जब ये रेखा चल रही है तो उसके पैरेलल में सपोर्टिव लाइन भी चल रही है, जिसके कारण दूसरों का सहयोग जीवन में अच्छा मिल जाए आपको रहने वाला रहेगा। अंदरूनी मंगल नॉर्मल है लेकिन बाहरी मंगल अच्छा विकसित है, तो इस कारण से व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपनी लिमिटेशंस पता होती है, जैसे आपका एग्रेशन भी है तो उसका आपको लिमिटेशंस पता रहेगा कि कब मुझे यूज़ करना है, तो उस एग्रेशन को आप प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे। आपके अंदर साहसीपन है, यानी सहने की क्षमता बहुत अच्छी है, और यहाँ पर थोड़ी सी धैर्य की कमी इस कारण से ज़रूर रह जाता है क्योंकि बाहरी मंगल जब डेवलप होता है, लेकिन व्यक्ति बहुत हौसले और जुनून वाला होता है और पॉजिटिव मेंटेलिटी एटीट्यूड वाले होते हैं, तो इस कारण से आप कभी भी हार नहीं मानेंगे। और शुक्र जैसा कि डेवलप आपका अच्छा है तो हर प्रकार की लग्जरीज व सुख सुविधा का आप आनंद लेंगे। तो बेसिकली जो आपका नेचर है और जो जिन चीज़ों पे आपका झुकाव है वो कुछ साहित्य प्रेम है,
और जैसे बहुत अच्छी दिखावटी चीज़ें होती हैं, लग्जीरियस जो लाइफ होता है, चकाचौंध वाला जो सिस्टम होता है, इन सब के प्रति आपको झुकाव ज़्यादा है और इन्हीं सब में मज़ा भी आपको बहुत आता है। तो कहीं ना कहीं इन सब से रिलेटेड बिजनेस आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा और यहाँ जो आड़ी रेखा है ये फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, मनी, इनसे रिलेटेड अननेसेसरीज वरीज टेंशंस को बढ़ा देता है। तो कहीं ना कहीं ये आप खुद ब खुद लेकर के आते हैं। तो थोड़ा इन सब चीज़ों पे ध्यान रखिएगा, चीज़ों को इग्नोर करिए, डिसीजंस कोई भी ले रहे हैं उसके पहले सोचिए। और शुक्र जैसे यहाँ पर ज़्यादा ओवर डेवलप है तो वो इन सब चीज़ों के प्रति थोड़ा झुकाव ज़्यादा लाता है, तो इस कारण से मेडिटेशन और थोड़े से शुक्र के को पॉजिटिव करने के लिए रेमेडीज आपको करना रहेगा। अदरवाइज देखें तो यहाँ पर जो आड़ी रेखा होती है ये लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करती है, तो लग्जरीस आप अपने खुद के बलबूते पर भी अर्जित करेंगे। और शुक्र के क्षेत्र से भी भाग्य रेखा निकल रही है, तो शादी के बाद वाइफ से और उनके घर वालों की तरफ से अच्छा प्रोग्रेस और सक्सेस उनके द्वारा कहीं ना कहीं आपको आपके लाइफ में मिलने वाला रहेगा। और कुछ ना कुछ फैमिली के द्वारा बिजनेस हैंड ओवर भी हो सकता है। मनी ट्रायंगल आपके हाथ में प्रॉपरली डेवलप नहीं है क्योंकि किसी न किसी प्रकार से छोटा सा यहाँ पर गैप बन ही रहा है, तो थोड़ा सा मनी का लीकेज जरूर रहेगा जो कि आपके फिंगर के अकॉर्डिंग भी देखने को मिल रहा था, लेकिन धन जीवन में तब भी अच्छा रहेगा। चंद्र आपका अच्छा है तो मन की आप ज़्यादा सुनेंगे और करेंगे यहाँ। और थोड़ी सी यहाँ जो आड़ी रेखा है ये किसी चीज़ के एडिक्शन को भी इंडिकेट करते हैं क्योंकि शुक्र से भी रेखा आ रही है, ये जुड़ा नहीं है लेकिन अगर ये जुड़ जाता है तो थोड़ा सा ट्रबल को इंडिकेट कर देता है, व्यक्ति अपने ही कारण से थोड़ा सा दुख ज़्यादा भोगने वाला होता है। अदरवाइज देखें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है लाइफ में, मनी आपके अच्छा रहेगा और प्रोग्रेस लाइन भी निरंतर और सन लाइन भी यहाँ पर निकले हुए जा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी अच्छी रहेगी, गवर्नमेंट से फ़ायदा आपको मिल सकता है, राजनीति से फ़ायदा मिल सकता है, इन सब के योग हाथ में अच्छे बन रहे हैं। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।